बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रुबीना यूसफ। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगी और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। एक टेट्रा पैक 200 ml क्रीम लेंगे। ये ठंडी होनी चाहिए। इसे हम 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं। आपने ठंडी क्रीम लेनी है। तीन टेबलस्पून हम इसमें चीनी पाउडर डालेंगे। ये नॉर्मल घर की चीनी है। आप इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और इसका पाउडर बना लें। ये इस तरह आसानी से क्रीम में जो है मिक्स हो जाएगी। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीटर की मदद से। क्रीम और चीनी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ये देखें। 2 अदद सेब इन्हें हमने कट कर लिया है, क्रीम में शामिल कर देंगे। पहले से सेब काट कर ना रखें वरना ये काले हो जाते हैं। पंद्रह से 20 स्ट्रॉबेरीज हम इसमें शामिल कर देंगे। एक छोटा टिन पाइनएप्पल का सिरप मैंने इसमें से अलग कर लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश पाइनएप्पल है तो आप फ्रेश पाइनएप्पल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप बॉयल चने, ये बहुत अच्छा मज़ा देते हैं चाट में। 1 अदद अनार, थोड़ा सा मैंने बचा लिया गार्निश के लिए। 7 से 8 केले, ये भी कट करके इसमें शामिल कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून हम किशमिश शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून बादाम, इन्हें भी हमने कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून पिस्ता। 1/2 teaspoon हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारी फ्रूट चाट रेडी है। तो हमने इसे चाहे एक बाउल में सर्व करना है चाहे अलग-अलग, तो हम इसे गार्निश करेंगे अनार के दानों से, कुछ ड्राई फ्रूट से। और इसका मज़ा बढ़ाने के लिए हम इसमें रूह अफ़ज़ा इसमें ज़रूर शामिल कीजिए, इससे इसका मज़ा बढ़ जाता है। ये देखें, ये बहुत ही यमी हमारी फ्रूट चाट तैयार है।